अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आबिद अली और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल आबिद इलेक्ट्रिक। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सोलर का काम करता हूं, तो आज हम जिस सेटअप पे बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो वो आज का टॉपिक ये है, बार बार अक्सर पूछे जाने वाला सवाल है कि जब हम अक्सर दो सवाल करते हैं कि जब हम सोलर ट्यूबवेल के साथ घर का लोड चलाएँगे तो क्या हमारे बोर का पानी या हमारे ट्यूबवेल का प्रेशर कम तो नहीं हो जाएगा। तो आज का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये आज मैं आपको क्लियर करके वादे करके बताऊंगा कि आपके बोर का पानी कम होगा या नहीं होगा। तो आज मैं एक ऐसे सेटअप पर मौजूद हूं और आप देख रहे हैं मेरी बैक साइड पे, यहां पर मैंने 15 पैनल इंस्टॉल किए हुए हैं कैनेडियन 655 वाट के। तो इस सेटअप पे जो है 715 HP की मोटर भी चल रही है ट्यूबवेल पर और घर का लोड भी चल रहा है। तो आज मैंने इधर एक सप्लाई लगाई है घर के लोड चलाने के लिए। तो बार बार लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आबिद भाई, हमारे घर का लोड चलाने से हमारे ट्यूबवेल का प्रेशर जो है वो कम तो नहीं हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको ट्यूबवेल का प्रेशर दिखाता हूँ। ट्यूबवेल की जो मोटर है वो 15 HP की मोटर है, वो चल रही है। तो चलते हैं इन्वर्टर की जानब, देखते हैं अभी कितने एम्पेयर पर जो है मोटर चल रही है। तो आप देख रहे हैं कि मोटर जो है इस वक्त इन्वर्टर ये ऑन है और मोटर जो है 12-13 एम्पेयर ले रही है। तो इसके साथ जो है मैंने जो है घर का 3 kW का सेटअप भी लगाया है, 3 kW की सप्लाई भी लगाई है घर में, जो है मोटर फ्रिज पंखा हर चीज़ चल रही है। तो चलते हैं इसके बाद सप्लाई की जानब, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि उस वक्त घर में जो है वो कितने एम्पेयर लोड चल रहा है। तो आइए चलते हैं घर सप्लाई की जानब, तो देखते हैं कि घर पे कितना लोड चल रहा है और मोटर कितने लोड पे चल रही थी। आप देख रहे हैं ये मैंने सप्लाई इंस्टॉल की है इधर, ये 3 kW की सप्लाई है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि घर पे जो है 7.25 एम्पेयर, 6.80-81 एम्पेयर लोड जो घर भी चल रहा है और 12-13 एम्पेयर लोड जो है वो मोटर भी ले रही है। तो ये तकरीबन 17-18 एम्पेयर बनते हैं। तो ये 17-18 एम्पेयर जो है वो इस वजह से चल रहे हैं क्योंकि मैंने जो पैनल इस्तेमाल किया है वो 655 वाट 650 वाट कनेडियन का है। तो इसकी आउटपुट वोल्टेज और एम्पेयर जो हैं वो 41 वोल्ट हैं और 19 एम्पेयर हैं। तो इस वजह से ये सेटअप इतना लोड उठा रहा है। मोटर 12-13 एम्पेयर पे चल रही है और घर का जो लोड है वो है 6-7 एम्पेयर। तो मैक्सिमम जो इसकी आउटपुट है पैनल की वो जो है तकरीबन 19 एम्पेयर है। तो जो ये पैनल जो है कनेडियन कंपनी का बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, ये फुल लोड उठा रहा है, इसकी आउटपुट भी अच्छी है। तो अगर आपके जहन में कोई और भी सवाल है तो आप स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर रब्ता करके भी पूछ सकते हैं। अगर किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।